आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की बड़ी खबरों पर नजर, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमेटी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को मनोनीत किया, उनका उत्साहवर्धन किया। हमारे संवाददाता विक्रम कश्यप ने बात की जिला अध्यक्ष जय सिंह जैन से और जाना किस प्रकार से 2022 के चुनाव में कमर कस कर आ रही है समाजवादी पार्टी। आइए डालते हैं विशेष खबर पर नजर। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2022 के लिए कमर कसी, वहीं पर आज जिला और महानगर कार्यकारिणी को घोषित किया जाए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई शहरों में समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी को घोषित कर दिया, जहां आज हम आपको लेकर आए समाजवादी पार्टी के जिला दफ्तर में, जहां हमारे साथ महासचिव सब्बीर खान है, जिनसे जानेंगे कि आज किस तरह से नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई और किसको क्या जिम्मेदारी दी गई। जी, मैं सब्बीर खान, समाजवादी पार्टी जिला लखनऊ का महासचिव हूँ। 2022 की तैयारी के लिए जिला समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है और हमारे जितनी भी विधानसभाएं हैं सबकी कमेटियां गठित हो चुकी हैं और जितने भी विंग हैं सारे विंग, यूथ विंग का गठन हो चुका है और हमारे लखनऊ जनपद की जो आज के यहाँ पे चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन साहब हैं, इन्होंने अपनी पूरी टीम का गठन किया है। इनके सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और आज के इस दौर में, संघर्ष दौर में, जो हमारे चाहे शिक्षक सभा हो, अधिवक्ता सभा हो या हमारे जितने भी विंग हैं सारे लोग एक्टिव हैं और चिकित्सा प्रकोष्ठ में पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, इन लोगों ने मन बना लिया है। जो देश प्रदेश के हालात इस समय हैं कितने बिगड़े हुए हैं, इन लोगों ने पूरी तरीके समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष करने का मन बनाया है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया है और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश मुख्यमंत्री बनाएंगे। सब्बीर जी, आखिर किस एजेंडे को लेकर 22 का चुनाव लड़ने वाली है समाजवादी पार्टी? जैसे हमेशा विकास उसका प्रमुख मुद्दा रहा है और बेरोजगारी को लेकर वो बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया, आखिर क्या प्रमुख मुद्दा रहा है? 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी फिर विकास के मुद्दे पर लगी, क्योंकि एक तरफ विकास होगा और एक तरफ विनाश होगा। इस समय देश प्रदेश में राजनीति है, ये देश को प्रदेश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास के लिए काम किया है और इनका अगला चुनाव भी विकास के नाम पर लड़ेंगे। सर, अपने परिचय के साथ समाजवादी पार्टी जिला द्वारा क्या बड़ी जिम्मेदारी की आपको दी गई? मैं डॉक्टर मोहनलाल पासी, सदस्य जिला पंचायत लखनऊ का, और मुझे माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार और जो है समाजवादी पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय जो है नरेश उत्तम पटेल जी के अनुमोदन पर, जिले के कप्तान हमारे समाजवादी पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष आदरणीय जय सिंह जैन द्वारा मुझे चिकित्सा स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मैं पूर्ण ईमानदारी से और निष्ठा से इस पद का निर्वहन करूंगा। उसके साथ साथ में मैंने अपनी कमेटी को जो है 31 लोगों की कमेटी आज यहां पर जो है कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसमें हमारे जो है पदाधिकारी माननीय जो है डॉक्टर बाल गोविंद वर्मा जी जिला महासचिव बनाए गए हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के, और माननीय डॉक्टर हसनैन अहमद जी जो है जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, माननीय जो है डॉक्टर अशोक मौर्या जी जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर वसीम खान जी जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं,
समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ में, और हमारे जो है जिला सचिव आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनोज यादव जी बनाए गए हैं, और हमारे छोटे भाई डॉक्टर बीरबल राजवंशी जी जिला सचिव बनाए गए हैं। इसी प्रकार से 31 लोगों की टीम हमारी जिले में जो है तैयार हो चुकी है समय, और जो है हमारे साथ में जो है भाई हमारे छोटे भाई जो पीजीआई से जो है बिलोंग करते हैं प्रदीप यादव जी, वो जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पूरी टीम हमारी तैयार है संघर्ष करने के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। हम सब लोग, क्योंकि प्रत्येक डॉक्टर के पास कम से कम 100-150 लोग व्यक्ति से संपर्क होता रहता है, और अच्छे अच्छे लोगों से प्रचार प्रसार करने के लिए जी एक बड़ी टीम तैयार जी जी इसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ जी जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रकोष्ठ रखा गया है, जो हमारे डॉक्टर्स और जो है स्वास्थ्य संबंधित लोग जो है इसमें शामिल की जुड़े गए हैं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे लोग प्रभावित होंगे और अधिक लोगों से संपर्क करेंगे होते रहता है, क्योंकि जो है डॉक्टरों के पास 500 मरीज आते रहते हैं, और अधिक से अधिक लोग जो है माननीय समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी की रीत और नियमों को जो है बताएंगे और उनकी जो है खूबियों को बताएंगे, जिससे जो है विकास के मुद्दे पर आगे की 2022 की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी तो ये थे हमारे साथ जिला महासचिव शब्बीर खान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज समाजवादी पार्टी ने कमर कसी है 2022 के चुनाव के लिए, जहां पर इनके जिला अध्यक्ष जयसिंह जैन द्वारा कार्यकारिणी को मनोनीत किया गया और कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई। विशेष मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत चाहूंगा।